अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो पूरा मामला है, मतलब बीआरएस का जो मामला है, गड़बड़ा गया है और मुसलमानों का शिफ्ट, वो हमें लगता है बीआरएस के लिए नुकसानदेह है। जी, ये मैं आपको, लोक पोल का सर्वे आया है और उसने प्रिडिक्ट किया है कि कांग्रेस सरकार में आ रही है। लोक पोल वही है जिसने कि कर्नाटक में जो ये मतलब सर्वे रिजल्ट दिया था, एकदम हूबहू लगभग वही आया और उसकी काफी तारीफ की है, मतलब योगेंद्र यादव जैसे सेफोलॉजिस्ट लोगों ने, कि वो काफी मतलब नीचे तक जाकर सैंपल्स भी ज्यादा और ये करता है। उसका सर्वे है कि देखिए 43-46% वोट जो है मिलेगा, आधी आया है इसको कांग्रेस को मिलने वाला है और उसको करीब करीब बीआरएस को 38-41%, 6% का फॉल उसने बताया है, जो ड्रॉप है बीआरएस के जो पिछले बार का था उसको 46% आया था। तो मैक्सिमम लिखा है कि दो द बीआरएस वुड सिक्योर 41% ऑफ वोट्स, इट इज हार्ड फॉर द पार्टी टू विन एज मेनी नंबर ऑफ सीट्स, मतलब कि उससे ज्यादा नहीं ले सकती। साउथ की बहुत बढ़िया क्रेडिबल ये है एजेंसी है और अलग तरीके से करती है। उसके बाद है क्या कि लास्ट टाइम में कांग्रेस को जंप देखिए कि 28.43% इसको वोट आया था पिछले इलेक्शंस में, ये इसने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 7-8% वोट जो है वो इनको मिलेगा, बीजेपी को मिलेगी, लेकिन ये 3 से ज्यादा सीट नहीं ले सकती है और यही 7-8 सीट जो है उसने इसको किया है AMIM को, और 69-72 सीट्स जो है इसके लिए है, मतलब कांग्रेस के लिए, और उनका उन्होंने दिया है कि 35-2 कुछ ऐसा ही है, मतलब काफी नीचे 35-39। तो ये है लोक पोल का सर्वे, और लोक पोल मतलब मैं इसीलिए उसको मैंने किसी पोल सर्वे सर्वे एजेंसी को मैं कोट नहीं करता, लेकिन पिछले बार भी लोक पोल ने कर्नाटक में बहुत ही जो सर्वे किया था काफी सही निकला था। इस बार उसका क्या निकलेगा वो तो रिजल्ट बताएगा। मैं आपको कहना चाह रहा था ये कि देखिए केसीआर ने बहुत कोशिश की कि बीजेपी का जो उनके साथ बीजेपी के बी टीम या बीजेपी के साथ मिले होने का जो उन पर आरोप है उसको खत्म करने की, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स वैसी है नहीं। वो ऐसा कि उन्होंने जब कांग्रेस कमजोर थी, मतलब राहुल गांधी इमर्ज नहीं हुए थे, तो उन्होंने एंटी कांग्रेस नॉन को मतलब एंटी कांग्रेस ही था वो, एक फॉर्मेशन बनाने की पूरी कोशिश की। वो पहले से जानते थे कि कांग्रेस ही उनको चुनौती है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से ये आज से नहीं 3-4 साल से लगे हुए हैं, वो 2018 के बाद से ही लगे हुए हैं कि कांग्रेस को किसी तरह जो है एलिमिनेट करें, और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन वो कर नहीं पाए। वो इंडिया गठबंधन बन गया और उनकी नैरेटिव के विपरीत बना और उसमें वो आए नहीं। तो ये जो मुसलमान है, ये जो उनका इतनी सीटों पर प्रभाव है और काफी हैदराबाद स्टेट के निजाम की वजह से होने की वजह से वहाँ वो लोग मतलब काफी कॉन्शस पढ़े लिखे भी हैं और उनके पास रिसोर्सेस भी है, मतलब संपत्ति भी है, तो वो कोई ऐसा दबा कुचला पसमाना टाइप का मुसलमान नहीं है। वहाँ जो भी है वो है, मतलब उनकी हैसियत भी है गांव और ये में भी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसको एड्रेस करने में उस नहीं बीआरएस सक्सेसफुल हो पाई केसीआर। इसकी वजह है ये है कि कांग्रेस की तरफ एक जनरल शिफ्ट, जैसा बिलाल जी ने बताया, वो पूरे देश भर में हुआ है बीजेपी में इसके तरफ, कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का, क्योंकि उनको लगने लगा कि रीजनल पार्टी के भरोसे हम बीजेपी को दूर नहीं कर सकते। अब बीजेपी ने क्या क्या उनके साथ किया है कहने की कोई बात नहीं है, 90s वगैरह के बाद जाने दीजिए, 2014 के बाद जिस तरह से मुसलमान मार्जिनलाइज हुआ है, ये मॉब लिंचिंग से और ये जो फेस कर रहा है, मतलब टोटल मार्जिनलाइजेशन जिसको कहते हैं, जो संघ परिवार का 20-25 से ही सपना है, वो सपना उन्होंने बहुत हद तक पूरा कर लिया गांव देहात सब जगह। तो ये स्थिति को मुसलमान इसमें कोई रिस्क वगैरह नहीं लेने वाला है। और दूसरा हुआ ये कि कोशिश ये थी बीजेपी की कि किसी तरह बता दे कि बीआरएस हमसे अलग हो गया है,
लेकिन वो जाने अनजाने साबित कर गए कि बीआरएस उनके साथ थी, क्योंकि वो जो उनका रहा कि बीआरएस वो तो एनडीए माना चाहते थे और हमने नहीं लिया, तो ये जो किया उन्होंने इससे हो गया कि एनडीए में जाना चाहते थे। तो कहता है क्या कि एक नहीं, हम लोग किताब में बचपन के ये में पढ़ा करते थे कि लाभ पहुंचाने में हानि पहुंचा गई, पहुंचा दिया, तो वो हानि पहुंचा दी उन्होंने बीजेपी ने और मोदी जी ने, कि बीआरएस को ये बता दिया कि वो लोग उनके साथ ही रहे हैं लेकिन फिलहाल गए। अब इनके पीछे उनका उद्देश्य था कि वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन वो बता गए तो हो गया, ये सिद्धि हो गया। और कांग्रेस का एक और है कि रिवाइव कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद साउथ में जबरदस्त रिवाइव हुई, जितना नॉर्थ में नहीं रिवाइव हुई उससे ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस वहां फॉर्मेटेबल फोर्स पहले से आंध्र और कर्नाटक में थी। वोट बैंक है, उसका वोट बैंक है, एक अच्छा वोट बैंक वोट है। बैंक था तो नहीं, लेकिन ड्रॉप आप देखिए 28% पर चले गए थे और 46% का, मतलब आप सोच लीजिए कि करीब करीब ये आधे का फर्क हो गया था वोट में, 28% और 46%, मतलब समझ लीजिए कि 26 मतलब 25-24 कितना हुआ, 23%, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 40% से ज्यादा का मार्जिन था दोनों के बीच में गैप। लेकिन वो गैप पूरा हो गया इसीलिए कि जो वोट शिफ्ट हुआ था वो वापस आ गया, यही इसीलिए आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में केसीआर से लोग छोड़ के बीआरएस से कांग्रेस की तरफ आए हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो गया, तो उनको समझ में आ गया क्या कि हम यहाँ रहना मुश्किल है। तो और दूसरे की नैरेटिव भी जिसने कांग्रेस ने एक सेकुलरिज्म की नैरेटिव भी जबरदस्त बनाई, मुसलमानों को मतलब जो उनका वेलफेयर ये है उसमें मुसलमानों के लिए अलग से उन्होंने काफी कुछ वादे किए हैं। और दूसरा एक और चीज हुआ कि करप्शन का इशू बीजेपी, देखिए बीजेपी उनकी मदद करना चाहती थी लेकिन और उल्टे उनका नुकसान कर गई उन्होंने। करप्शन के इशू में भी उनका था टारगेट ये था, पॉलिटिक्स ऐसा समझिए, उनका टारगेट ये था कि बीआरएस का अपोजिशन करते करते हम फाइट केसीआर बिटवीन मोदी कर देंगे, मतलब बाकी तो रीजनल क्षेत्र तो है नहीं, तो मोदी वर्सेस केसीआर कर देंगे या बीजेपी वर्सेस बीआरएस कर देंगे, ये जो मतलब 1-1 फाइट हो जाएगा, कांग्रेस साफ साइड हो जाएगी जैसा यूपी में उन्होंने किया था, वो उनका उनका इरादा था। लेकिन वहां की ग्राउंड रियलिटी ऐसी थी नहीं, तो वो टेक ऑफ ही नहीं हुआ, ये आइडिया जो है ये चला ही नहीं, क्योंकि कोई उनको मान ही नहीं रहा था कंटेंडर बीआरएस के मुकाबले। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने बीआरएस के खिलाफ जो है खूब प्रचार किया कि करप्शन है, डायनेस्टी है, तो जो कांग्रेस को प्रचार करने की जितनी जरूरत भी नहीं पड़ी उतनी बीजेपी ने खुद उनके बारे में प्रचार कर दिया, उसको पूरी तरह डिस्क्रेडिट कर दिया। लेकिन अभी उसमें एक चीज और हो गया, अब अभी देखेंगे जो लास्ट अभी जो चल रहा है फेज, उसमें बीआरएस और दोनों कांग्रेस के ही पीछे है, मतलब जो टारगेट कर रहे हैं बीजेपी जो बात बोल रही है वही बीआरएस भी बोल रही है, और दोनों का जो सुर है कांग्रेस के खिलाफ वो मिल गया है। तो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि बीआरएस अपने को उस नैरेटिव से अलग भी नहीं कर सकती और साथ में भी नहीं जा सकती, तो बीआरएस की ये स्थिति है। मेरा मानना यह है कि लोकपोल के सर्वे में जाना चाहिए, हालांकि दूसरा एक न्यूज टैप करके है उसका भी सर्वे आ गया है, वो बोलते हैं क्या कि बीजेपी उसकी सीटें बीआरएस की घटेगी लेकिन जीतेगी बीआरएस, ऐसा उनका है। अब वो उनके बारे में मुझको पता नहीं, वो सर्वे वो एजेंसी वाले वही क्या कहते हैं गोदी एजेंसी टाइप को तो नहीं है, ये मालूम नहीं है मुझको, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, काफी पैसा। और सबसे जो लास्ट पॉइंट में रखना चाहता हूँ जिसकी चर्चा होनी चाहिए, ये कब से ओपिनियन पोल टाइप का सर्वे आने लगा, ये बंद था कि जब पोल स्टार्ट हो जाएगा तो ओपिनियन पोल वगैरह करना मना हो गया था, बकायदा सर्कुलर है चुनाव आयोग का, लेकिन ये सब उठ गया है। चुनाव आयोग तो हमको लग रहा है कि उत्तराखंड के ये में क्या कहते हैं गुफाओं में मेडिटेशन में लग गया है, क्योंकि उसका मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ कोई केदारनाथ पहुंच गया है, केदारनाथ पहुंच गया, केदारनाथ की गुफा उसका, उसको उसका मतलब कोई कुछ करना ही। अच्छा, पेड न्यूज के बारे में किताब है, अभी भी आप डाउनलोड करना चाहे तो है कि नहीं मालूम नहीं, मैंने तो डाउनलोड करके रखा हुआ था, बकायदा एक किताब है जिसमें कि एकदम पॉइंट वाइज है कि चैनल्स और
इनके भी खिलाफ कैसे, अगर पेड न्यूज को कैसे डिटेक्ट किया जाए और कैसे हमारा प्राइम ये है, ये मेरे ख्याल में 2014 के बाद का है, मतलब जो चालू हुआ था, मतलब नसीम जैदी किसमें समय में थे, उन्होंने किया था, और वो उसका कोई चर्चा ही नहीं है। पेड न्यूज खत्म हो गया, अब किसी को तो नोटिस भी नहीं है, और ये बकायदा अमित शाह तो बकायदा वोट मांग रहे हैं राम मंदिर पर, और फ्री ट्रिप देंगे तीर्थ यात्रा के लिए सब पे ये, मतलब आप मजहब के लिए आप क्या कहेगा कि आप हिंदू हैं इसीलिए वोट दो, कह ही रहा है सब। अब इसमें कोई मतलब कौन भाषा चाहती है, चाहता है आयोग, जिसमें कि कहा जाए कि हिंदुओं सिर्फ हमारे यहाँ वोट दो, यही नारा बच गया है, इसके अलावा और क्या बच गया है। लेकिन चुनाव को कुछ मतलब उसकी नींद खुलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो कोशिश है। साथ में अब एक लास्ट पॉइंट इसमें और भी आपको बता दूं कि वहां ईडी, देखिए ईडी शिफ्ट हो गई, अब महादेव ऐप उसका नहीं है, अब वहां कोई नाम अभी हम भूल गए हैं, वो कांग्रेस का कैंडिडेट है, ये क्या कहते हैं वहां मतलब तेलंगाना में, जो पहले भाजपा के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे, वो नाम अभी मैं भूल जा रहा हूँ, वेंकटेश या ऐसे कुछ नाम है अभी एकदम नहीं है, मैं सॉरी टू ये गलत अगर रेफरेंस हो जाए, लेकिन वो उस शख्स के यहाँ ईडी एकदम पीछे पड़ गई है, और रेड आईटी ईडी दोनों का चालू है, मतलब उसने पूरा अपना जो जैसे मतलब बीएसएफ या इसके सीआरपीएफ के लोग जाते हैं चुनाव, सीआरपीएफ के चुनाव कराने के लिए, तो ईडी भी अपना कंटिजेंट वहां भेज दिया है, वो अब वहीं पर डेरा डाल दिया है, अब लगता है छत्तीसगढ़ से शिफ्ट हो गया, अब महादेव ऐप वाले कहाँ गए नहीं गए इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये पूरा चालू है खेल। और इसमें उसने आरोप लगाया है कि शख्स को ये लोग घेरे हुए हैं, वो दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो उन लोगों उसने आरोप ये भी लगाया है कि बीआरएस और बीजेपी दोनों मिल करके हमको ये ईडी और आईटी मिल करके दोनों लगे हुए हैं, तो ये सिचुएशन है। मुझको लग रहा है तेलंगाना केक वॉक है इसके लिए कांग्रेस के लिए, बीआरएस को इस बार अगले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल।